हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे व्हाट्सअप वेब क्या होता है और आप अपने फ़ोन में व्हाट्सअप वेब को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दो फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, जो यहाँ पे पहला वाला फ़ोन आपको दिख रहा है ना, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फ़ोन में पहले से ही व्हाट्सअप ओपन है। तो दोस्तों, व्हाट्सअप वेब का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के अंदर या किसी भी कंप्यूटर के अंदर अपने व्हाट्सअप को चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे एक ही टाइम पे दो जगह अपने व्हाट्सअप को चला सकते हैं। तो दोस्तों, अपने व्हाट्सअप को किसी भी कंप्यूटर में या दूसरे फ़ोन में चलाने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेबलेट वाले फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। और दोस्तों, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सअप वेब सर्च कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप वेब सर्च कर दिया है। और दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड ओपन होने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पे कुछ टाइम भी लग सकता है। दोस्तों, जब तक यहाँ पे QR कोड ओपन होता है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने जो दूसरा फ़ोन आपके पास रखा हुआ है, आपको उसके अंदर अपने व्हाट्सअप को ओपन ही रखना है, उसे आपको बंद होने नहीं देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे टेबलेट वाले फ़ोन में आपको यहाँ पे QR कोड देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, QR कोड आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, अब जो आपका पहला वाला फ़ोन था जिसके अंदर व्हाट्सअप ओपन था, आपको उसके ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है लिंक डिवाइस का, तो दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका व्हाट्सअप यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो दोस्तों आपको यहाँ पे पासवर्ड को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने फ़ोन के पासवर्ड को ओपन करा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप का कैमरा यहाँ पे चालू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे साइड में QR कोड आपको दिख रहा है ना, आपको उसे यहाँ से स्कैन कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने वो QR कोड को यहाँ से स्कैन कर लिया है। और दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्कैन करा ना, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम जैसा कुछ दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है कि दूसरे फ़ोन में आपका व्हाट्सअप चलने लग गया है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे टेबलेट वाले फ़ोन में देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप यहाँ पे चलने लग गया है। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे दोनों के दोनों फ़ोन में सेम टू सेम चैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो दोस्तों मेरे पहले वाले फ़ोन में जो व्हाट्सअप में चैट थी, वो दोस्तों मेरे सेकेंड वाले फ़ोन में भी चैट्स दिखने लग गई है। तो दोस्तों, अब अगर मैं मेरे पहले वाले व्हाट्सअप को बंद भी कर देता हूँ ना, तो दोस्तों तब भी मेरे फ़ोन में यहाँ पे व्हाट्सअप चलता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले वाले फ़ोन से यहाँ पे व्हाट्सअप को हटा दिया है, लेकिन दोस्तों सेकेंड वाले फ़ोन में मेरा व्हाट्सअप चल रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे व्हाट्सअप वेब का यूज़ करके अपने व्हाट्सअप को किसी भी कंप्यूटर में या दूसरे फ़ोन में चला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे जिस दूसरे वाले फ़ोन में या कंप्यूटर में अपने व्हाट्सअप को लॉगिन करा है, तो उसे आपको यहाँ पे बंद कैसे करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको फिर से अपने पहले वाले फ़ोन के व्हाट्सअप में चले जाना है। और उसमें जाने के बाद आपको ऊपर ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे लिंक डिवाइस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से वही जगह पे आ चुका हूँ। और दोस्तों, आप यहाँ पे जो गूगल क्रोम जैसा देख रहे हैं ना, दोस्तों आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। और दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी आप मेरे टेबलेट वाले फ़ोन में देख सकते हैं, उसमें आपको व्हाट्सअप चलता हुआ दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगआउट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगआउट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड वाले फ़ोन में ऑटोमेटिकली मेरा व्हाट्सअप लॉगआउट हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने फ़ोन में व्हाट्सअप वेब का यूज़ करके अपने व्हाट्सअप को किसी और के फ़ोन में या किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।